हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जांपल। आज आम नंबर सिस्टम रो पार्ट टू बेसिक ऑपरेशन विषय में पढ़ा। जो मैंने पार्ट वन रो वीडियो देखी ना से माने पार्ट वन रो वीडियो प्लेलिस्ट जाए देखी पारे। सो प्रथम देखा राउंडिंग ऑफ ऑफ नंबर्स, गोटे नंबर को राउंड ऑफ करिबा। सपोज गोटे नंबर देछि 122। ओके, सो 122 को जदि हम राउंड ऑफ करचे त राउंड ऑफ वैल्यू होची नियरेस्ट 10 रे, नियरेस्ट 10 तार वैल्यू होची 120। जदि 125 अछि देन तार नियरेस्ट वैल्यू हम नियरेस्ट 10 को जदि राउंड ऑफ करचे तार वैल्यू हम 130। एंड जदि 124 को मु राउंड ऑफ करूची नियरेस्ट 10 को तार वैल्यू हम 120। 129 को जदि मु राउंड ऑफ करबे देन तार नियरेस्ट 10 को से हम 130। ओके, सो ये समय जानि पाले बेसिकली जे 1 टू 4 पर्यंत जदि अछि से तार प्रीवियस नंबर को राउंड ऑफ हो जाउची। एंड जदि 5 रु 9 पर्यंत अछि से तार नेक्स्ट नंबर को राउंड ऑफ हो जाउची। जदि मु 149 को तार नियरेस्ट 100 को राउंड ऑफ करबे देन तार वैल्यू हबो 100। एंड जदि मु 150 को तार नियरेस्ट 100 को राउंड ऑफ करूची देन तार वैल्यू हबो, बा नियरेस्ट 100 को राउंड ऑफ करूची देन तार वैल्यू हबो 200। ओके, एथु मु आशा करूची जे आपनको राउंडिंग ऑफ ऑफ नंबर्स क्लियर हो जाइथिबो। नेक्स्ट देखिबा रोमन नंबर। सो रोमन नंबर जानिया पूर्व फास्ट जानिबा आमे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु एटा भी इंपोर्टेंट आमर जूनियर टीचर पई जे 1 2 3 4 5 नंबर जो आमे काउंट करू छे सेटा कोन नंबर सेटा होची हिंदू अरबिक नंबर, हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम। रोमन नंबर जदि आमे सिखियाउ चाहिबा आमको बेसिकली सातटा लेटर विषय रे जानिबार अछि। गोटे हैला आई, गोटे हैला वी, गोटे हैला एक्स, गोटे हैला एल, गोटे हैला सी, गोटे हैला डी, गोटे हैला एम। ओके, सो आई रो वैल्यू होची 1, वी रो वैल्यू होची 5, एक्स रो वैल्यू होची 10, एल रो वैल्यू होची 50, सी इज इक्वल टू 100, डी इज इक्वल टू 500 एंड एम इज इक्वल टू 1000। ओके, सो तार बेसिक रूल नंबर ए सातटा रे केमिति एते सारा नंबर फॉर्मेशन होची। ओके, बट आ गोटे जिनस भूली गले, गोटे साइन टे कथा भूली गले, देन ए साइन विषय रे हम पछरे पढिबा। ओके, बा बार विषय रे हम पछरे पढिबा। सो तार बेसिक रूल विषय रे जानिया फर्स्ट। सो फर्स्ट रूल, मैक्सिमम गोटे लेटर 3 टाइम्स यूज हे पारिबो, 3 टाइम्स मैक्सिमम। ओके, सो 3 टाइम मैक्सिमम माने जदि मते 1 जानिबार अछि मु कोन करि पारिबि आई, 2 जानिबार अछि 2i, 3 जानिबार अछि 3i। ओके, मते 100 जानिबार अछि मु 100 जानिबार अछि मु सी, 200 हेले सी सी, 300 हेले सी सी सी। जदि मते 2000 जानिबार अछि 1000 हेले एम, 2000 हेले डबल एम। ओके, देन देखिबा जे जदि गोटे हायर वैल्यू साइड रे जेमिति कि वी साइड रे गोटे लोअर वैल्यू रहइबो, जदि तार राइट साइड रे रहउछि देन 5 प्लस 1 वैल्यू एडिशन हे जइबो, राइट साइड रे रहले वैल्यू एडिशन हे जइबो इज इक्वल टू 6। बट जदि तार लेफ्ट साइड रहइबो आई वी देन हबो तार वैल्यू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। ओके, जदि 4 दैथिबो 4 रो वैल्यू आई वी किंतु वाई आई 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 चारिटा आई रहि पारिबो नाही। सपोज हम पचारि थांदा 90, 90 रो वैल्यू केते हबो मु जानि छी 100 माइनस 10। ओके, 100 माइनस 10 मु सेतरे कोन करि पारेबे ना 100 वैल्यू होची सी माइनस एक्स, माइनस करि रछि देन पूर्व रो रखि देबा। ओके, सो बेसिकली देखंदो आई 2i 3i आई वी, वी पूर्व रो आई लागि गला देन वी आसला, वी आई वी 2i वी परे 2टा आई देन 5 2 7 वी 3i आई एक्स। देखंदो एक्स होची 10 ता पूर्व लगला आई देन 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 देन एक्स आसब 10, 20 आसब डबल एक्स, 30 आसब ट्रिपल एक्स एंड 40 आसब एक्सएल, कहीं ना एल हूँ 50, 50 माइनस 10 इज इक्वल टू के 40, सो एल इज इक्वल टू एक्सएल देन 60। ओके, 60 इज इक्वल टू एल एक्स, कहीं ना 50 प्लस 10। ओके, सो 50 प्लस 10 इज इक्वल टू के एल एक्स, कहीं ना एल साइड एक्स एडिशन हम आ मन रखी था हायर वैल्यू साइड रे ही एडिशन हम। ओके, लोअर वैल्यू साइड रे एडिशन को काउंट करा जाई परिबो नहीं। देन 70, 70 है लगे थे ना 50 प्लस 20, सो एल प्लस एक्स प्लस एक्स 80, एल प्लस एक्स प्लस एक्स। ओके, जेहेतु एक्स टा चारि थोर यूज हो पारिबो नहीं, जेतरा में 90 करबा ताकु कोन करबा ना 100 माइनस 10 करबा इज इक्वल टू एक्स
सी। ओके क्लियर हो जाइए। नेक्स्ट देखिबा जदि सपोज देछि सपोज 1000 1000 इज इक्वल टू एम जदि 2000 देछि डबल एम 3000 देछि ट्रिपल एम। ओके जदि 4000 देछि आमे कोन करबा ना एम तक आउ यूटिलाइज करि परिबानि एम को आमे एन मैक्सिमम 3टा देन 4000 रे आमे कोन करबा कोन याठो आगु को नंबर नै 3000 टी लिमिटेड हे गला ना 4000 पई आमे लिखि परिबा आई वी उपरे बार। ए बार रो अर्थ कोन ए बार रो अर्थ होची इनटू 10 टू द पावर 3 बा इनटू 1000। ओके सो आई वी रो वैल्यू होची 4 इज इक्वल टू 4000। सपोज मते देथांदा 5000 मु कोन करिथांती ना वी उपरे बार 10000 देथांदा मु देथांती एक्स उपरे बार 7000 देथांदा मु देख लेखिथांती वी 2i उपरे सॉरी तळे बार हेला वी 2i उपरे बार। ओके सपोज मते पचारिथांदा 1673 को रोमन नंबर रे शो कर मु ताको डिवाइड कर फास्ट करिथांती कन्वर्ट करि देथांती छोट छोट नंबर को जेमेति के 1000 प्लस 600 600 को 500 प्लस 100 मु लेखि पारेबे प्लस 70 को 50 प्लस 20 लेखि पारेबे प्लस 3 लेखि पारेबे। ओके मु 1000 बदल रे एम लेखि पारली एम बदल एम बदल रे परे 500 बदल रे डी लेखि पारे। ओके एम डी 100 बदल रे सी एम डी सी 50 बदल रे एल 20 बदल रे डबल एक्स 3 बदल रे आई आई आई। सो 163 मते जदि लेखियार अछि एम डी सी एल एक्स एक्स ट्रिपल आई। सपोज मते 400 लेखियार अछि 400 टा केमिति लेखिबि मु 400 लेखिबि जानिछि डी होउछि केते 500 500 माइनस 500 माइनस 100। ओके सो 500 माइनस 100 ते मु लेखि पारिबि सी डी काहेकि ना डी हेला 500 माइनस 100 इज इक्वल टू 400। आई होप समस्तंबर क्लियर हो जाइथ रोमन नंबर एग्जाम रे जदि नेक्स्ट एग्जाम रे केबे आसे देन कहार आउ भूल हबो नाही। नेक्स्ट देखिबा प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन। सो ऑपरेशन ऑफ प्रॉपर्टी कोन रहला फास्ट असला क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी रो अर्थ होउची जे दुईटा नंबर होल नंबर हेई थांती बा इंटीजर्स हेई थांती बा रेशनल नंबर हेई थांती तांकर एडिशन हो मल्टीप्लिकेशन हो सबट्रैक्शन हो बा डिविजन हो से माने ओटे होल नंबर हेई पारबे जेमिति के एग्जांपल 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। ओके सो एटा भी होल नंबर एटा भी होल नंबर एटा भी होल नंबर सेमिति 4 इनटू 3 इज इक्वल टू 12। सो 4 बिट होल नंबर 3 बिट होल नंबर 12 बी होल नंबर। नेक्स्ट देखिबा डिफरेंट ऑपरेशन ने केमिति अप्लाई होउछ। सो जदि एडिशन अछि ना एडिशन ने दुटा होल नंबर को ऐड करले होल नंबर आसीबो एंड होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। नेक्स्ट देखिबा सबट्रैक्शन सबट्रैक्शन ने 5 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 2 जो माइनस 2 टा गोटे होल नंबर नुह गोटे इंटीजर तेणु होल नंबर रे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होल नंबर रो सबट्रैक्शन ने क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होबो नाही। एगुडा काहे पढुचे देखो बेसिक जानिया पई ना एगुडा बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम रे यार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पकी दे पारे। देन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ने होल नंबर 0 * 3 0 गोटे होल नंबर देन मल्टीप्लिकेशन रूल को फॉलो करे सबट्रैक्शन फॉलो करे नाही एंड डिविजन 5 डिवाइडेड बाय 8 5 बाय 8 गोटे फ्रैक्शन। ओके सो काली मु कहिथिले जे फ्रैक्शन कहा को कहबा कोटा को रेशनल नंबर कहबा फ्रैक्शन और रेशनल नंबर नंबर भीतर डिफरेंस कोन जे क्लास देखिनो क्लास 1 क्लास 1 को जाई काइंडली देखिनो दो एंड होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। सो डिवीजन रूल को भी फॉलो करंती नाही क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करे नाही। ओके देन असले इंटीजर्स इंटीजर्स से फास्ट असले एडिशन। सो एडिशन ऑफ इंटीजर्स रूल फॉलो करिवो सबट्रैक्शन ने भी फॉलो करिवो काहेना 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 गोटे इंटीजर 5 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 2 से भी गोटे इंटीजर। सबट्रैक्शन आर क्लोज्ड अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी इन इंटीजर्स। ओके मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन तेनो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करिवे। ओके डिविजन्स 5 बाय 8 इज इक्वल टू 5 बाय 8 जोटा की गोटे इंटीजर्स। नेक्स्ट देखिबा क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। सो रेशनल नंबर्स गुडा को बेसिकली क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन हैला सबट्रैक्शन हैला मल्टीप्लिकेशन हैला डिविजन हैला ए माने क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करिवे। ओके समस्त क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करिवे। कांसेप्चुअल क्वेश्चन पचारि दबो जे क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर रो क्लोजर प्रॉपर्टी को माने फॉलो करंती ऑल ऑफ दिस गोटे माने ए एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन सबट्रैक्शन डिविजन ऑल ऑफ दिस। ओके आपण मन को ऑल ऑफ दिस क्लिक करिया को पड़ेबा। नेक्स्ट देखिबा कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड सबट्रैक्शन।
କମ୍ପିଟେଟିଭ ଭିତ୍ତିର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି କ୍ରମ ବିନିମୟ। ସୋ କ୍ରମ ବିନିମୟ ମାନେ କ'ଣ ନା ପ୍ଲେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଯାହା, ବି ପ୍ଲସ୍ ଏ ସେଇଆ, ଏ ଇଣ୍ଟୁ ବି ଯାହା, ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏ ସେଇଆ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହୋଲ୍ ନମ୍ବର କେସ୍ରେ, ଦେନ୍ ହୋଲ୍ ନମ୍ବର କେସ୍ରେ ଆଡ଼ିସନ୍ ଜିରୋ ପ୍ଲସ୍ ସେଭେନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସେଭେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜିରୋ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସମାନ, ଆଡ଼ିସନ୍ ଫଲୋ କରୁଛି, ବଟ୍ ସବଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କମ୍ପିଟେଟିଭ। ସବଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କମ୍ପିଟେଟିଭ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଟୁ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଯାହା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ, ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍, ଭାଲ୍ୟୁ ସମାନ ରହିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହୋଲ୍ ନମ୍ବରର କମ୍ପିଟେଟିଭିଟି ରୁଲ୍ ଫଲୋ କରିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଆଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦେବ, ସବଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କମ୍ପିଟେଟିଭ ହୋଲ୍ ସବଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହୋଲ୍ ନମ୍ବରର କମ୍ପିଟେଟିଭିଟି ରୁଲ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ଇଏସ୍ ଅର୍ ନୋ, ସେଠି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନୋ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଆସେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍, ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ଇଜ୍ କମ୍ପିଟେଟିଭ, ଡିଭିଜନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କମ୍ପିଟେଟିଭ। ଓକେ, ସୋ ଡିଭିଜନ୍ କମ୍ପିଟେଟିଭ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଟିଜର୍ସ, ଇଣ୍ଟିଜର୍ସ କେସ୍ରେ ଆଡ଼ିସନ୍ କମ୍ପିଟେଟିଭ, ସବଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କମ୍ପିଟେଟିଭ ନୁହଁ, ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଆଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ୍ ଅଫକୋର୍ସ କମ୍ପିଟେଟିଭ ନୁହଁ। ଡିଭିଜନଟା କେବଳ କ୍ଲୋଜର ପ୍ରପର୍ଟି ଫଲୋ କରିବ କେବଳ ରେସନାଲ ନମ୍ବର ବେଳେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆସୋସିଏଟିଭିଟି ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କେମିତି ଦେଖିବା ନା, ସପୋଜ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ଦେଇଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସପୋଜ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ଦେଇଛି, ଓକେ, କେତେ ହେଉଛି ନା ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟେନ୍। ଆମେ ଦେଖିବା ସେମ୍ ଫଲୋ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ନା ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫାଇଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟେନ୍। ସୋ ବୋଥ୍ ରୁଲ୍ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ସୋ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି, ଆଡ଼ିଟିଭ ବା ଆସୋସିଏଟିଭିଟି ବା ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି। ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ବି ସେମିତି, ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କଲେ ତାଙ୍କର ଭାଲ୍ୟୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ ପ୍ରପର୍ଟି, ସୋ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭିଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭିଟି ଅଫ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ଓଭର ଆଡ଼ିସନ୍। ଯେମିତିକି ସପୋଜ୍ ଦେଇଛି ଏ ଇଣ୍ଟୁ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ବି ପ୍ଲସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ସି, ଏଇଟା ଆମର କାହିଁକି ଦରକାର? ଏଇଥିପାଇଁ ନା ଲାର୍ଜର ଆଡ଼ିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସପୋଜ୍ ମୋତେ ଦେଇଛି 300 ଇଣ୍ଟୁ 1600 ଟୁ, ଏଇଟା ଦେଇଛି ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ନା 300 ଇଣ୍ଟୁ 1600 ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କରିପାରିବି। ସୋ 1600 ଇଣ୍ଟୁ 300 କେତେ ହେବ ନା 16 3 48, ଦେ 4 0 ପ୍ଲସ୍ 300 2 600, ଓକେ, ସୋ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ସରି 4 0, ସୋ 480600, ଓକେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା। ସୋ ଏହାର ବେଶୀ ବହୁତ ସାରା ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର କାଲ୍କୁଲେସନ୍ର ସ୍ପିଡ଼୍ ବଢ଼ିବ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ରହିଲା, ଯେ ଏ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ଏ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବି, ଟ୍ରୁ ଅର୍ ଫଲ୍ସ? ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମୋତେ ନିହାତି କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟ୍ରୁ ଅର୍ ଫଲ୍ସ। ମୁଁ ତ ଆନ୍ସର୍ କହିଦେବି, ବଟ୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟ୍ରୁ କିମ୍ବା ଫଲ୍ସ। ଓକେ, ଏଇଟା ଫଲ୍ସ ହେବ, ଟ୍ରୁଥ୍ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା, ଯଦି ସପୋଜ୍ ଆପଣ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଘରେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ମୋତେ ଚେକ୍ କରିକି କହିବେ, ଓକେ, ବଟ୍ ମୁଁ କହିଲି ଟ୍ରୁଥ୍ ହେବ ଫଲ୍ସ ହେବ, ଟ୍ରୁ ହେବ ନାହିଁ ଫଲ୍ସ ହେବ। କେମିତି, ସପୋଜ୍ ଦେଖିବା, ସପୋଜ୍ ଟୁ, ସପୋଜ୍ 24 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 4 ପ୍ଲସ୍ 8 ଅଛି, ଓକେ, ସୋ 24 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 4 ପ୍ଲସ୍ 8 ଅଛି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ, ତାମାନେ ମୁଁ ଲେଖିଲି 24 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 12 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2, ଓକେ, 2 ଆନ୍ସର୍ ଆସିଲା। ବଟ୍ 24 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 4 ପ୍ଲସ୍ 24 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 8, 424, 8 3 24, ଆନ୍ସର୍ କେତେ 9 ଆସୁଛି, ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ନୁହଁ, ଓକେ, ସୋ ଏଇଟା ଫଲ୍ସ ହେବ। ଏଇଟା ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ସେକେଣ୍ଡଟା ଦେଖିବା, ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ସି ଆଣ୍ଡ ବି, ସପୋଜ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍, ଭୁଲ ମାନେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ସି, ଟ୍ରୁ ଅର୍ ଫଲ୍ସ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫଲ୍ସ ହେବ, ଫଲ୍ସ ହେବନି ଟ୍ରୁ ହେବ, ଓକେ, ଏଇଟା ଫଲ୍ସ ହେବନି ଟ୍ରୁ ହେବ। କାହିଁକି ନା, ସପୋଜ୍ 24 ସେଇ ସେମ୍ 24 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 24, ସରି 4 ପ୍ଲସ୍ 8 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 24 ଦେଇଛି, ଓକେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ନା 4 ପ୍ଲସ୍ 8 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 24 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 12 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 24 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/2 ଆସିଲା, ଓକେ, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି ନା 4 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 24 ପ୍ଲସ୍ 8 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 24 ନେଲି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, 4 6 ଯା 24, 1/6 ପ୍ଲସ୍ 1/3 କେତେ ହେଉଛି ନା 1/6 ପ୍ଲସ୍ 1/3, ଚେକ୍ କରିବା ତାର ଭାଲ୍ୟୁ, ଏଲ୍ସିଏମ୍ ହେଲା 6, ଏ ହେଲା 2 + 1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3/6 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/2, ସୋ ଏଇଠି 1/2 ଆସିଛି, ଏଇଠି ବି 1/2 ଆସିଛି, ଦେନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ରିମେନ୍ ସେମ୍, ଦେନ୍ ଏଇଟା ଟ୍ରୁ ହେବ, ଓକେ, ଫଲ୍ସ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବ ଦୁଇଟାକ, ଠିକ୍ କି ଭୁଲ, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ରେସନାଲ ଡେସିମାଲ ନମ୍ବର୍ସ। ସୋ ଡେସିମାଲ ନମ୍ବର୍ସ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍, ସପୋଜ୍ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ନମ୍ବର 2.5 ଇଣ୍ଟୁ 1.5 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ନା 25, 50 125, 25 କେ 25 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ
5 3 7 ओके सो 3 7 5 हम तो आम देखा कौन ना डेसिमल नंबर कौटी प्लेस करें आम देखा दुईटा नंबर में केतटा डेसिमल प्लेस पर केतटा डिजिट अच्छी ये गोटे अच्छी ये गोटे अच्छी दुईटा डिजिट तेणु आम कौन करवा ना ये 3 7 5 राइट साइड रू दुईटा डिजिट छाड़ा ये डेसिमल नंबर दबा इज इक्वल टू के 3.75 ओके 3.75 नेक्स्ट देखा डिविजन बेड़े डिविजन जदि ये तीनटा था गोटे तले दुईटा था देन आम कौन करते ना आउ गोटे प्लेस नहीं जाते लेफ्ट को जदि डिविजन ने कौन कर सपोज आम 6.25 डिवाइडेड बाय 2.5 आम कौन कर लॉन्ग डिविजन मेथड भी करपर एंड बेसिक ऑपरेशन फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके भी कर 6.25 इज इक्वल टू के ना 625 बाय 100 डिवाइडेड बाय के 2.5 बा 25 बाय 10 इज इक्वल टू मुझे लिखिपारे 625 डिवाइडेड बाय 100 इंटु 10 बाय 25 सो 25 काटले 25 2.5 ओके सो 2.5 इंटु 2.5 इज इक्वल 6.25 ओके 6.25 एक्चुअली 25 पढ़ते ना 6.25 पढ़ते नेक्स्ट देखा कन्वर्ट 540 मीटर इंटु किलोमीटर जो किलोमीटर पचारे 540 मीटर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर इज इक्वल टू 0.00 कटिगला 0.54 किलोमीटर ओके नेक्स्ट आसला 2002 मीटर को किलोमीटर कन्वर्ट कर 2002 डिवाइडेड बाय 1000 ओके इज इक्वल टू 2.002 किलोमीटर ओके नेक्स्ट देखा 65 मिनिट्स को आवर रे कन्वर्ट कर सो 65 डिवाइडेड बाय 60 आंसर आस 150 ओके 08 6.1.08 आवर आसो ओके देन 2.4 आवर्स को मिनिट रे कन्वर्ट करियार अछि मु कोन करबे ना 2.4 इनटू 60 इज इक्वल टू 144 2444 144 मिनिट ओके एबे हम देखियो किछटा इंपोर्टेंट जिंस उपरे जोटा हला एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी कोन ना जो संख्या रे कौन से भी संख्या ऐड कर दिया से मे बी इट इंटीजर्स हो जहाँ भी हो ओके होल नंबर हो जहाँ भी हो कौन से भी संख्या ऐड कर दिया ता वैल्यू रिमेन्स सेम ता माने एडिटिव आइडेंटिटी होची जीरो ओके यदि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पचार देन कौ संख्या रे माने एनी संख्या रे एनी नंबर रे कौ संख्या मल्टीप्लाई कले ता आइडेंटिटी चेंज हुए ना सेटा हला वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देन एडिटिव इनवर्स सपोज 5 अच्छे एडिटिव इनवर्स कौन ना 5 रे मुझे एड कले तार वैल्यू जीरो हम ओके वैल्यू तार जीरो हम के ना -5 तेणु 5 रो एडिटिव इनवर्स हूँ -5 सपोज मोर दी 3 रे मते केते ऐड करले -3 दे छी केते ऐड करले तार वैल्यू 0 हो ना 3 ऐड करले सो -3 रो एडिटिव आइडेंटिटी होची 3 एंड 5 रो एडिटिव आइडेंटिटी होची -5 देन असले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन तो 0 हि परिवनी एंड 1 हि परिव सो 5 रो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की है ना 5 रे केते मल्टीप्लाई करले वैल्यू 1 आसीबो केते ना 1/5 ओके एंड जदी पचारि थिबो -3 -3 रो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होची मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होची -1/3 ओके देन आसीबो रेसिप्रोकल सो रेसिप्रोकल होची केते ना सपोज 5/6 देची 5/6 माने कोन ना न्यूमरेटर टा डिनोमिनेटर हे जो डिनोमिनेटर टा न्यूमरेटर हे जो 5/6 रे 5 होची न्यूमरेटर त डिनोमिनेटर हेला एंड 6 हेला डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर हबो सो 6/5 बा रेसिप्रोकल को हम एमिति लिखि पारे 5/6 टू द पावर -1 बा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से हम लिखि पारिबा 5 रो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होची 5 टू द पावर -1 ओके देन देखिबा एब्सोल्यूट वैल्यू कोन एब्सोल्यूट वैल्यू होची गोटे नंबर एक्चुअल वैल्यू सपोज -5 अच्छे तार साइन होची एब्सोल्यूट वैल्यू सिंबल होची दीपट साइड रे बार ओके सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज इक्वल टू 5 5 रो एब्सोल्यूट वैल्यू होची 5 ओके देन देखिबा प्लेस वैल्यू सो प्लेस वैल्यू आम तो नंबर्स पढ़ीचे सो लेफ्ट साइड वाला विषय में बहुत सारा जानचे 1 मिलियन 2 मिलियन 10 मिलियन ओके देन आम देखा जे 8 बिलियन रे केतटा जीरो अच्छे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पढ़ी पार 8 बिलियन ने राइट साइड रे केतटा जीरो रहिबो बा 1 बिलियन ने राइट साइड रे केतटा जीरो रहिबो 3 3 6 3 9 सो देखंतु आमे बेसिकली देखिबा हंड्रेड्स पे 3टा थाउजेंड्स पे 3टा मिलियंस पे 3टा ओके नॉट हे गेल देन आसीला बिलियंस ओके देखंतु एठी हला बेले बेले पचारिबो
1 मिलियन इज इक्वल टू केते ओके 1 एम इज इक्वल टू केते ना 10 लाख ओके आपण माने टी कमेंट सेक्शन ने कहिले हमर 1 मिलियन सब्सक्राइबर केबे हेबो ओके एंड एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर केबे हेबो नेक्स्ट देखिबा डेसिमल पॉइंट परे हमर जो नंबर गुडा को अछि ताकू आमे केमिति प्लेस वैल्यू डिफाइन करूचे देखु तो टेंथ लिखा है 7 टेंथ माने 1/10 ओके एटी टेंथ थिला एटी टेंथ एटी फर्स्ट नंबर वन थिला बट एटी वन हबो नाही एटी टेंथ रु स्टार्ट हबो मिनिमम दु गोटे डेसिमल नंबर रो गोटे सबुठ लेफ्ट साइड रो प्लेस वैल्यू हबो टेंथ 1/10 हैला बातरा जदि हाईएस्ट प्लेस वैल्यू कथा कहिबा देन टेंथ हबो ओके लोएस्ट प्लेस वैल्यू ऑफ नॉर्मल नंबर कहिबा देन वन हबो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर जदि आमे गोटे क्वेश्चंस केबे आसीबो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू केते ना टेंथ बा 1/10 यार वैल्यू होची प्लेस वैल्यू होची एई नंबरटा रो 7/10 ओके सो 2 अछि ना 200 माने यार प्लेस वैल्यू होची 1/100 इज इक्वल टू ए 2/100 ओके तार प्लेस वैल्यू 2 रो ओके एंड सो ऑन आमे करी चलेबा ओके 400 जदि 4000 अछि 4/1000 ओके एटा हबो 1/1000 हबो तार प्लेस वैल्यू एंड जो तार प्लेस ऑफ वैल्यू एंड 4 रो वैल्यू 4 रो प्लेस वैल्यू होची 4/4000 सॉरी 4/1000 ओके सो एठी हमर नंबर सिस्टम रो मैक्सिमम पार्ट कवर हे गल जो माने हमर पेड बैच टेलीग्राम रे जॉइन करया चाहौ छ ऑलरेडी 160 मेंबर्स जॉइन करि सालेनी एंड समस्त रेगुलर क्विज प्रैक्टिस करू छथि पर डे अराउंड 160 क्विज आसु छ जोटा सिलेबस को कवर करिव चैप्टर वाइज क्विज आसु जोटा मन आपन मन पई बहुत हेल्पफुल हबो जदि बैच जॉइन करया चाहौ छ देन आपन हमर टेलीग्राम रे आपको मेसेज करें टेलीग्राम रे जॉइन करें पिंग करें बैच जॉइन करने को चाहूँ बोली एग्जांपल ऑफिशियल चैनल जोटा मोर फ्री चैनल जो थे यूट्यूब वीडियो लिंक आसी जाए देन आपन हमको फोन पे गूगल पे पेटीएम 9348450550 नंबर रे आप मत पेमेंट कर स्क्रीनशॉट शेयर करले आपको बैच रे ऐड कर दीजिए बैच स्पेशलिटी कौन रोचे ना एमसीक्यू ऑफ डिफरेंट चैप्टर अवेलेबल इन द सिलेबस जहाँ भी अवेलेबल अच्छी तार डिफरेंट चैप्टर एमसीक्यू आपको दिजाव पर डे अराउंड 150 क्वेश्चन 140 to 150 क्वेश्चन दिजाव चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस चैप्टर वाइज पेडागोजी एमसीक्यू दिजाव एवं इंग्लीश अच्छी कि आगे आम ओडिया को कन्वर्ट करदेव एंड प्रति 7 दिन में आपको मंथली पीडीएफ विकली पीडीएफ दिजाव विकली पीडीएफ ओके 15 दिन रे गोटे रिविजन टेस्ट रे रैंक भी दिया दिजाव आप प्रोग्रेस चेक कर पारे जहाँ भी विक सारा 15 दिन सारा पढ़ाई आप टेस्ट रे केते मार्क रखुं केते डेवलपमेंट करते कैप्चर करते देन प्रति 1 मंथ रे आप गोटे मॉक टेस्ट हम ओके मॉक टेस्ट आप पूरा रैंक पाई ऑल ओडिशा रैंक पाई पारे ओके डिस्ट्रिक्ट वाइज भी रैंक आपर नेक्स्ट देखा 150 रुपीज ओनली 6 मंथ ओके 6 मंथ कि एग्जाम एंड जोटा अलीयर पर डे 1 रुपीज रु भी कम पर डे 1 रुपीज रु भी कम रे आप प्राक्टिस करेंगे प्रिपेरेसन करें भिडियो क्लासेस देखते जदि जो मैंने फ्री बैच भी मैंने फ्री रे क्लास कराया चाहते से मैंने एग्जाम्पल ऑफिशियल यूट्यूब टेलीग्राम चैनल जॉइन करूँ सो जो मैंने भिडियो टी देखे कम्प्लीटली सांग सेयार करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ एंड भिडियो टी लाइक करूँ सो थैंक्स फर वाचिंग कीप सब्सक्राइबिंग।